दोस्तों, छोटा बच्चा बहुत सालों के बाद अपने घर आता है और अपने दोस्तों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाते हैं। तभी जो है छोटा बच्चा गिफ्ट निकाल कर लड़की को देता है, लेकिन लड़की जो होती है गिफ्ट को फेंक देती है और साइड में खड़ा लड़का BMW रखा होता है। तभी जो है लड़की होती है लड़के के पास चली जाती है। तभी ये छोटा बच्चा एक और गिफ्ट निकाल कर इस लड़की को दे देता है, लेकिन ये भी जो लड़की होती है वो भी गिफ्ट को फेंक कर डैडी वाले लड़के के पास चली जाती है, जो कि आईफोन पकड़ा होता है। तभी जो है लड़की होती है वो आईफोन को देख कर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये छोटा बच्चा बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है। लास्ट में लड़की बच जाती है और छोटा बच्चा गिफ्ट निकाल कर लड़की को देता है और जो ये लड़की होती है दोनों जोड़ी को देखकर बहुत ही ज्यादा खामोश हो जाती है। लड़की जो होती है बच्चे की गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी जो है छोटा बच्चा इनको आईफोन दे देता है। दोस्तों, ये सारे स्टूडेंट क्लास रूम के अंदर होते हैं और ये सारे स्टूडेंट डरे हुए होते हैं, क्योंकि आज इनका आंसर पेपर आने वाला होता है। तभी सर जी क्लास रूम के अंदर आंसर पेपर लेकर आ जाते हैं और सबसे पहले इस लड़के को आंसर पेपर दे देता है, जिसमें लड़का फेल होता है और ये लड़का बहुत ज्यादा रोने लगता है, जिसे देखकर यह छोटा बच्चा खुश हो जाता है। तभी सर जी पीछे बैठी हुई लड़की को आंसर पेपर दे देता है, जिसमें जो है लड़की भी फेल होती है, जिसे देखकर यह छोटा बच्चा बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। और उसी तरह साइड में बैठा हुआ लड़का और लड़की भी फेल होते हैं, जिसे देखकर यह छोटा बच्चा और भी ज्यादा हंसने लगता है। फिर सर जी छोटे बच्चे के पास आ जाते हैं। तभी यह छोटा बच्चा भगवान से प्रार्थना करने लगता है। उसके बाद यह छोटे बच्चे के साथ किया हुआ वो देखने से पहले वीडियो को लाइक करके कॉमेंट में 9+1 कितना होता है वो लिख दो। लेकिन यह छोटा बच्चा भी पेपर में फेल होता है और इनको देखकर इनके सारे दोस्त हंसने लगते हैं। इंडिया का एक रुपया US के $1 के बराबर हो जाए तो क्या होगा? तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा होगा तो इंडिया अमीर हो जाएगा या इंडिया का GDP इम्प्रूव हो जाएगा? तो देखा जाए तो ऐसा नहीं होगा। और पहले जानते हैं अच्छी चीजों के बारे में। अगर रुपीज और डॉलर इक्वल हो जाएगा तो आप लोगों के पास जितना भी पैसा है वो 60 times डबल हो जाएगा, यानी कि सब लोग 60 times पैसे वाले हो जाएंगे। और चीजें सस्ती हो जाएंगी, यानी कि आईफोन 1 lakh में मिलता था वो 65 rupees में मिलेगा और आप दिल खोल के पैसा उड़ा पाओगे और इंडिया सबसे अमीर कंट्री में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं नुकसान की। सबसे पहली बात, चीजें इंपोर्ट तो होगी, सेम जगह से एक्सपोर्ट नहीं होगी, यानी कि इंडिया से एक्सपोर्ट पूरा हट जाएगा, क्योंकि इंडिया में सब कुछ महंगा होगा बाकी देशों के लिए, तो हमसे कोई कुछ भी नहीं खरीद पाएगा। तो ये वीडियो यहाँ तक देखा तो आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दो।